हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू फ्लेवर्स एंड फूड ब्लॉग। आज का रेसिपी है शाही दही परवल। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम के आसपास परवल है, जिसको आपको ऐसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं स्क्रैच करके उसको अच्छी तरह से स्क्रैच करके दोनों तरफ से उसका साइड वाला जो पार्ट होता है उसको काट के आपको हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हल्के, पूरा आपको परवल को नहीं स्क्रैच करना है, छीलना है उसको, थोड़े से छील के ऐसे काट के और आपको अच्छे से उसको वॉश करके ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे बीच से थोड़ा चाकू के हेल्प से काट के और उसका बीच का जो जितना भी उसमें उसके अंदर सीड्स हैं उसको आपको निकालना है। और निकाल के आपको साइड में एक बाउल में रखना है, उसको फेंकना नहीं है, उसको बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्पून का जो पिछले हिस्सा का होता है उससे आपको आसानी तरीके से निकालना है, ज़्यादा अगर हड़बड़ कीजिएगा तो वो परवल जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सारे में से निकाल ली हूँ और यहाँ साइड में उसका जितनी भी सीड्स हैं यहाँ पे हैं और यहाँ पे परवल है। अब हम लोग यहाँ पे परवल में जो स्टफ़ तैयार करेंगे, वो जो भरना है उसके लिए स्टफ़ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वो परवल से जो बीज निकाले थे वो साइड में रखे हैं, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक तेज पत्ता है और 5 से 6 गार्लिक है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और सौंफ। यहाँ पे 2 रेड चिली है, अगर आपको ग्रीन चिली यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 रेड चिली यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा सिनेमन स्टिक लेना है तो लीजिएगा, नहीं तो चलेगा, विदाउट सिनेमन स्टिक का भी आप बाद में ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। ये खड़ा धनिया है 1 टेबल स्पून और 5 से 6 लौंग है और एक काली मिर्च है 10 से 15 और उसको आपको सबको एक जार में जो मिक्सर के जार में डालना है और आपको अच्छे से उसको ग्राइंड करना है और उसका एकदम पेस्ट एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए ना एकदम मोटा भी होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मोटा रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग स्टफिंग कर रहे हैं तो कैसे भी वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। अभी हम लोग यहाँ पे 2 आइटम स्पेशल यूज करने वाले हैं, जो कि है एक आपको लेना है 1 टेबल स्पून बेसन और आपको 2 टेबल स्पून दही देना है, जो कि दही हम लास्ट में यूज करें। तो अब चलिए चलते हैं स्टफिंग का मसाला तैयार करने। तो पहले आपको पैन बैठाना है उसको मीडियम आंच पे, पहले पैन को अच्छी तरह से गर्म होने दें तभी आप उसमें जाके तेल डालें और तेल गर्म होने के बाद आपको ये जो 1 टेबल स्पून बेसन था उसको डालना है और उसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। उसको 2 मिनट तक आप चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है आपको, मीडियम स्लो आंच पे ऐसे अच्छी तरह से उसको भुनना है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज करी हूँ। आपको अगर कोई भी ऑयल यूज करना है तो आप कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्ट उसका जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। और आपको मीडियम फ्लेम पे ऐसे भूनते रहना है 5 मिनट तक और उसमें से अच्छा सा जब खुशबू आने लगेगा तो समझिएगा बेसन भून के रेडी हो गया है। तभी आप जो मसाला हम लोगों ने तैयार करा था स्टफिंग डालने के लिए इसमें, तो वो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ और उसको डाल के अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है, चलाना है। इसको लगातार ऐसे चलाते हुए आपको 2 से 3 मिनट तक आप चलाते रहिएगा तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा भुन भी जाएंगे मसाले। तो जब थोड़ा 2-3 मिनट भून लीजिएगा तो तब उसमें अब मसाले डालते हैं। तो मसाले में सिर्फ हम यहाँ पे अभी हल्दी डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वो खड़ा धनिया डाला था, जीरा डाला था, सौंफ डाला था और ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च बोलते हैं वो खड़ा रेड चिली डाले थे, तो वो सब हो गया क्योंकि वो सब हम लोग मसाला बना लिए थे पहले ही। तो सिर्फ अभी हल्दी डाली हूँ और उसको कवर करके आपको फिर से ऐसे मीडियम आंच पे और आपको 5 मिनट तक छोड़ देना है, क्योंकि मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और
आपका मसाला जो है ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है। तो अभी इसमें हम लोग हाफ टी स्पून सॉल्ट डाले हैं, वो आप स्वाद अनुसार और अपना सब्जी का क्वांटिटी देखते हुए आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल के नमक डाल के और आपको अच्छी तरह से ऐसे भून लेना है थोड़ा देर के लिए। और भून के इसको भूनने के बाद आपको एक अलग से प्लेट या बाउल में ऐसा निकाल लेना है ठंडे होने के लिए। जब ठंडा हो जाए तब स्टफिंग के लिए रेडी हो जाएगा मसाला, गरम में ना भरे। तो आपको ऐसे मीडियम स्पून लेना है, उससे आपको जितने भी आप यहाँ पे परवल ये करके रखे थे उसको काट के और बीच से वो सीड निकाल के, तो उसमें आपको वही स्टफिंग डालना है ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मीडियम स्पून से वो हाफ टेबल स्पून ही लगता है मसाले और सब में स्टफिंग हो जाएंगे। उसको अच्छे से सब में करना है स्टफिंग। और उसको फिर आपको साइड में 5 मिनट के लिए ऐसा करके छोड़ देना है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा सारा स्टफिंग हो गया है। अब हम उसको तलने के लिए एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसमें हम लोग परवल को ऐसे डालेंगे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है और डाल के उसको हम लोग मीडियम स्लो आंच पे पकाएंगे। इसको कभी भी हाई फ्लेम पे आप ना पकाएं, नहीं तो परवल जो है अच्छी तरह से अंदर से पकेंगे नहीं और आपको फिर खाने में कच्चा लगेगा। तो ऐसा डाल के आपको और छोड़ देना है, धीमी आंचों पे स्टीम होने देना है। 10 मिनट के बाद आपका एक तरफ का जो परवल है वो ऑलरेडी स्टीम हो चुका है, ऊपर का भी हो चुका है। और उसको अच्छी तरह से ऐसे पलट देना है। अगर आप ऐसा ये इससे पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं, नहीं तो आप चिमटे के सहारे 1x1 करके ऐसा अलग करके ऊपर नीचे करके और आपको फिर से ढक के और 10 मिनट 5 मिनट के लिए पकाना है। अगर स्लो आंच पे कर रहे हैं तो 10 मिनट, अगर मीडियम पे है तो 5 मिनट। तो ऐसे आप चिमटे के सहारे से भी अलग ऐसे साइड में जिधर नहीं पका है ऐसे करके आप अच्छे तरह से उसको पका सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट परवल पक चुके हैं, मतलब स्टीम हो चुके हैं, स्टीम से पके हैं। और यहाँ पे ढकने के बाद 10 मिनट के बाद देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे परवल रेडी है। अभी हम लोग इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ उसको, अलग बाउल में आपको निकालना है। अगर आप विदाउट मसाला खाना चाहते हैं, विदाउट ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं उसका परवल के लिए ग्रेवी कैसे बनाना है उसका देखते हैं क्या क्या यूज करना है। हम लोगों ने जो परवल काटे थे उसमें से बीच जो स्लाइस पतली सा निकाल के बीच का जो स्पेस दिया था वो वाली जितनी भी कटा हुआ परवल है वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 10 से 15 काजू हैं, पिस्ता है और 1/2 इंच जो है जिंजर है और 5 कलियाँ लहसुन का है। यहाँ पे अब हम लोग ग्रेवी में जो तड़का मारेंगे उसके लिए आपको चाहिए 1 सिनेमन स्टिक, 1 स्टार का वो जो स्पाइस होता है वो, 2 लौंग, 1 लाल मिर्च, हरी मिर्च है तो आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए वो, और 1 टेबल स्पून आपको जीरा चाहिए और 5 से 6 काली मिर्च और 1 तेज। यहाँ पे हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन रखेंगे और उसको मीडियम आंच पे पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और डाल के उसको अच्छी तरह से पैन को हिला देना है चारों तरफ। और उसको गर्म होने पे आपको 1 पिंच हींग डालना है पहले, फिर जो हम लोग तड़का मारने के लिए मसाले रखे थे वो, यहाँ पे सिनेमन स्टिक, तेज़पत्ता, चिली, जीरा, ये सब डाल के आपको और मीडियम आँच पर उसको जलाना नहीं है, हल्का ब्राउन होने तक थोड़ा सा चला के भून लेना है उसको। और जब वो ब्राउन हो जाए तो आप मसाले से अच्छी खुशबू आने लगेगा तड़का से, तो वो तड़का रेडी है ब्राउन हो जाएगा। तो अब उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसा रेडी हो गया है, अब इसमें हम लोग पेस्ट डालेंगे जो कि पेस्ट हम लोगों ने बनाया था
ग्रेवी के लिए, और उसको डाल के उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है, चला लेना है। उसको एक मिनट तक चलाते रहिए, और चला के उसको अच्छी तरह से, और उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए मीडियम स्लो आंच पे। 5 मिनट के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आधा मसाला जो है वो भून गया है। अभी हम लोग इसमें अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पे जो दिख रहा है जैसा स्पून है मेरे पास यहाँ पे, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, लाल चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अगर कम तीखा खाते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला जो है हम लोग अभी लास्ट में यूज करेंगे, 1/2 टीस्पून। और मसाले को डाल के इसको अच्छे तरह से ऐसे चला देना है। थोड़ा वो छन्नी में जो है वो चिपकेगा, तो उसको आप अच्छे से वैसे हटा के और आपको फिर से मसाले को अच्छे तरह से चलाना है, और ढक के उसको 5 मिनट तक छोड़ देना है मीडियम आंच पे। और ऐसे फिर 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जैसे देख रहे हैं। यहाँ पे मसाला जो है वो ऑलमोस्ट भून गया है, और उसमें सॉल्ट जो है हम लोग स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून डाली हूँ सॉल्ट, क्योंकि मेरे को ग्रेवी जो है वो ज़्यादा चाहिए इसके लिए। अगर आपको कम चाहिए तो 1 टीस्पून काफ़ी है। यहाँ पे पानी डाल के थोड़ा सा, और उसको अच्छी तरह से पानी डाल के भुनना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सारे मसाले को ऐसे पानी डालने के बाद उसको अच्छे तरह से ऐसे चलाना है। और चलाने के बाद आपको ऐसे उसको ढक के और 10 मिनट तक के मीडियम आंच पे आपको पकाना है पानी डालने के बाद। यहाँ 10 मिनट होने के बाद मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं मसाला में अब हम लोगों ने जो वो परवल जो है फ्राई करके रखे थे वो अभी इस मसाले में हम लोग डाल देंगे। ऐसे एक एक करके आपको डालना है, और डाल के आपको ऐसे उसको चलाना नहीं है, क्योंकि मसाला ऑलरेडी आप चला चुके हैं। और आँच को मीडियम स्लो ही रखना है, हाई नहीं करना है, हाई फ्लेम पर आपका मसाला जल सकता है। तो उसको डाल के सारे परवल को और ऐसे कवर कर देना है, 5 मिनट तक आपको पकने देना है उसको अच्छी तरह से। 5 मिनट बाद आपका ऐसा परवल जो है वो रेडी हो गया, परवल मसाला कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप हटाइएगा उसका ढक्कन। तो आपका ये ऑलमोस्ट जो सब्जी है वो रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा कटा हुआ चॉप जो है वो धनिया डालेंगे, और उसका गैस जो है ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद उसको ऐसे चलाएंगे, अच्छी तरह से धनिया को मिला देंगे। और इसमें हम लोग अभी वो जो दही रखे थे 2 टेबल स्पून, वो दही डाल के लगातार 1 से 2 मिनट तक आपको चलाना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुकते हैं तो दही आपका फट जाएगा, आपको कंटिन्यू चलाना है। और आपका गैस ऑफ़ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वेजी जो है वो पक चुके हैं। और यहाँ पे दही डाल के आपको कंटिन्यू बस 2 मिनट तक चलाना है, और चलाने के बाद आपका ये सर्व करने के लिए रेडी है सब्जी। यहाँ पे देखिए, इसको रोटी या राइस या पूरी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये शाही दही परवल का रेसिपी है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो देख पाएं।